हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब कैरियर से होंगे। सो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ स्टूडेंट ईकेट के लिए केमिस्ट्री के। और जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया है आज, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट 20 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाऊंगा। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह 30 मिनट की या 35 मिनट की वीडियो होगी। और ये मत सोचिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग पे सिर्फ 20 ही एमसीक्यूज है। नहीं स्टूडेंट, एमसीक्यूज तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, लेकिन मसला ये है टाइम का। तो इसीलिए मैं आज सिर्फ 20 एमसीक्यूज करवाऊंगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको सारे इस केमिकल बॉन्डिंग पर एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, आपके पास एमसीक्यू शो हो चुका होगा, उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट कि अगर आप यहाँ ऑप्शन देखें, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हमसे बोलना ये चाह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। बस हमें ये बताना, मतलब कि इन चारों में से हमें ये बता दें कि किस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसा चेक करें भाई, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगर आपको यह नहीं पता कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, नहीं पता, तो आपको फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां देखें, आपको NH3 के बारे में पता होगा, NH3 का स्ट्रक्चर। तो यहां स्टूडेंट NH3 का हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो यहां पर लूज स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। यहां पर आ गया नाइट्रोजन। देखिए जो सेंट्रल एटम कौन होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो वो देख ले, सुन ले मेरी बात को। जो कम मिकदार में होता है तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। अगर यहां देखिए, हाइड्रोजन के 3 एटम है लेकिन नाइट्रोजन का 1 है, तो मिकदार में कौन हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया, तो नाइट्रोजन अब होगा सेंट्रल एटम, ये सेंटर में आ गया। अब मुझे ये बताएं कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोलेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं भाई मैं। 2 ही आ गए, 1 यहां गया, 1 यहां गया, 1 यहां गया, क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखें, नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है, 3 हाइड्रोजन, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन को भी लाना पड़ेगा। तो यह आ गया 1 हाइड्रोजन, यह आ गया दूसरा हाइड्रोजन, यह आ गया तीसरा हाइड्रोजन। अब मुझे जरा ये बताएं कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोलेंगे सर 1 होता है, तो यह आ गया 1, यह आ गया 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और यह आ गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब जरा सुनिएगा, हाइड्रोजन के केस में होता है डुप्लेट। क्या होता है डुप्लेट, तो यहां पर इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो कॉर्नर एटम थे उन सबके डुप्लेट को, जो भी था ऑक्टेट हो या डुप्लेट हो, उसको हमने फुलफिल कर दिया। अब बात आती है सेंट्रल एटम की। क्या सेंट्रल एटम का, नाइट्रोजन है ना इस केस में, तो सेंट्रल एटम का क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, जरा चेक करते हैं। तो इसके मुताबिक, ऑक्टेट के मुताबिक, इसके अंदर नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर अगर आप यहां देखें, तो यहां जो बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसके अंदर तो कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। और इसी तरीके से आप हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, और अगर आप NaCl में देखेंगे तो वहां क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब बचा कौन, बचा तो ये NH4Cl। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, तो भाई देखें क्या होगा, देखिए भाई, ये आ गया नाइट्रोजन, आ गया भाई, उसके बाद यहां पर ये आ गए 4 हाइड्रोजन, सही है। तो ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, देखते जाइएगा स्टूडेंट। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड। अब मुझे बताएं कि, मुझे ये बताएं कि ये जो NH3 है, यहां तक तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, H+ आएगा। H+ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसके पास ये जो हमारे पास नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है क्या होगा नाइट्रोजन का, ये आएगा और इससे अटैच हो जाएगा।
इस बार जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ नाइट्रोजन ही कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है बस, हाइड्रोजन अपना कोई शेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा। तो अब ये जो इनके दरमियान में अब जो बॉन्ड बनेगा, अब जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और डोनर से शुरू होगा तो यहाँ टेल डोनर कौन है ये और एक्सेप्टर कौन है ये, तो यहाँ पर आगे इसकी हेड रुक जाएगी। तो इसको हम शो करते हैं। अब आप बोलेंगे सर सीएल का आ गया भाई, तो सीएल भी आएगा क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पर सीएल आएगा, यहाँ पर अलग सीएल माइनस होता है, तो क्या होगा अमोनियम प्लस एम, इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इस पूरे के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनने जा रहा है स्टूडेंट वो बनेगा स्टूडेंट आयोनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखाई दिया, इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा, और अब आपको इसके अंदर हमारे को आयोनिक बॉन्ड भी दिख गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। तो इतनी डिटेल में बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। अब आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से जवाब दे दीजिएगा, इतनी लंबी कहानी चौड़ी हम लोग नहीं करेंगे। चले भैया बगैर देख लें दूसरा एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू में बोल रहा है कि यहां जो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं इसके अंदर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है या कुछ भी बोल रहा है, वो कंपाउंड बोल रहा है, तो किसके अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगी। तो मैंने बोला भाई चेक करना पड़ेगा, ये तो हमारे को तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर बॉन्ड क्या हो सिंगल तो उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, अगर डबल बॉन्ड हो तो उस सिंगल बॉन्ड से कम होती है इसकी बॉन्ड लेंथ, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी सबसे कम होती है। क्लियर है? तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन चारों में से किसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर इन तीनों में चारों में से जिसके दरमियान में स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है होगा वही तो उसकी तो बॉन्ड सबसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा कम होगी। और आपको मैं बता दूं ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा नाइट्रोजन के अंदर। अब आप देखें बोलेंगे सर क्यों, तो इसकी वजह भी जुड़ना भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरा काम है बताना और मैं बताऊंगा भाई। तो देखिएगा स्टूडेंट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन, एक दो नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन ये आ गया। क्लियर? नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच होते हैं भाई, तो ये आ गया एक, ये आ गया दो, ये आ गया तीन, तो ये आ गया एक, ये आ गया दो, ये आ गया तीन। अब क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, ये आ गए इसके लोन पेयर। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट्स, सुने जरा गौर से, अब ये इसके लास्ट पांच इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट पांच इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट, इस वाले नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, आप लोग बोलेंगे सर इसको तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तीन। इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तीन। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेंगे भाई, क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब देखें इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, जरा चेक करें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, फुल हो गया। अब इसको देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भी भाई कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अभी हो गया स्टेबल। क्लियर? तो अब आप ये देखें ये बच गए, तो ये होते लोन पेयर, ये क्या होते हैं लोन पेयर, तो ये एक लोन पेयर इसका बच गया, इसका एक लोन पेयर बच गया। और बॉन्ड पेयर की बात करें तो एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गया, तीन। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, छह, तो यहां का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दस हो गए। इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो गई। चले भाई अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका एमसीक्यू नंबर फोर, सॉरी एमसीक्यू नंबर थ्री एंड फोर। अगर आप एमसीक्यू नंबर थ्री में देखें तो उसमें बोला ही जा रहा है स्टूडेंट कि कौन सा ऐसा इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयोनिक भी है और कोवेलेंट भी है भाई। तो भाई मैंने बोला ऐसे तो भाई मैं नहीं बता सकता, मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैंने देखा CH4 का स्ट्रक्चर, अगर आप CH4 के स्ट्रक्चर पर अगर गौर करें तो हाइड्रोजन के ये जो सारे के सारे जो बॉन्ड है
वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या थी? वो बोलता है कि ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। क्या बनता है? म्यूचुअल मतलब जिस एलिमेंट के दरमियान में, दो एलिमेंट के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों की शेयरिंग से बन रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर सारे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं। हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो सारे बॉन्ड क्या होगा? कोवेलेंट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करें दूसरे वाले ऑप्शन, ये CH2 की। तो CH2 का अगर आप गौर करें तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अब कैसे पता चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखें सल्फर जो है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखें कार्बन CH2 है ना, तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया क्योंकि कम मिद्दार में है, सल्फर। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? आप बोलेंगे सर 4A ग्रुप का एलिमेंट है, या गया 4। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। अब जरा गौर फरमाए, सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 6A ग्रुप का एलिमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये वाला भी सल्फर है, तो ये भी 6A ग्रुप का एलिमेंट है। अब मुझे बताए सबसे पहले हमें कॉर्नर जो होते हैं एलिमेंट्स, कॉर्नर जो आइटम्स होते हैं उनको ऑक्टेट को फोल्ड करवाना पड़ता है। तो देखिए जरा होगा क्या, इस वाले सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 2 चाहिए। तो क्या करेगा ये, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, फिर एक और शेयर करेगा। क्लियर? अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब सल्फर का ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, फुल हो गया। अब इधर देखें, ये भी अपने दो बॉन्ड बना देगा इधर से। अब गिनते हैं इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी फुल हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम में अगर आप चेक करें तो कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 8। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 4 कितने होगा? 8। तो मतलब कार्बन का भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। तो ये जो बॉन्ड बने हैं सारे, ये तो म्यूचुअल शेयरिंग से बने कि एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, बॉन्ड बना दिया भाई। तो ये भी इसके अंदर भी आयोनिक और कोवेलेंट दोनों नहीं है, सिर्फ कोवेलेंट है। और अगर आप इसके अंदर देखें तो ये भी कोवेलेंट है, तो बचा कौन? आप बोलेंगे सर KCN बच गया। तो इसका मतलब अब जो कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड की बात आ गई वो सिर्फ KCN के अंदर है। तो आपको सबको पता ही होगा K क्या होता है? प्लस, और CN क्या होता है? माइनस। क्लियर? तो ये जो अट्रैक्शन से जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है KCN, ये कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। अब सर इसके अंदर कोवेलेंट कहां से आया? तो असल में अगर आप जाने तो CN के दरमियान जो बॉन्ड होता है, CN के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट, इस कंपाउंड के अंदर CN के दरमियान तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन K और CN के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड भी बन गया। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड हमें मिला इसके अंदर दोनों बॉन्ड है, कोवेलेंट भी है और आयोनिक भी है। तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, और आपने ऐसे भी अंदाजा लगा लिया सबको देख के, वैसे आपको पता चल चुका है। अब अगर आप आगे देखें MCQ नंबर 4 में, वो बोल रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन। पूछा ही जा रहा है स्टूडेंट कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हमारे पास, तो ये आपको पता है इसके अंदर एक s होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। एक s ऑर्बिटल होता है और कितने और p ऑर्बिटल होते हैं? 4p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है? तो भाई आपको बोल रहा है इन दोनों के अंदर कितना परसेंट कौन है, सही? अब सुनिएगा कैसे निकालेंगे वो देखें। तो ये बनता कितना है? 4sp3 बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जरा देखें सल्फर कितना था? 1। तो क्या हो जाएगा? सॉरी सल्फर नहीं, एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल की मिकदार कितनी? 1। और टोटल कितना? 4। तो उसको डिवाइड कराएंगे 4 से, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लियर है? तो 1 के 4 से कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये आ जाएगा 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s का कितना परसेंट है? 25% s ऑर्बिटल है। कितना परसेंट है? 25 s ऑर्बिटल है। तो बाकी 75% कौन होगा? बाकी 75% कौन होगा? p ऑर्बिटल होगा। अगर इसको भी निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान सी बात है। तो p ऑर्बिटल कितना है? 3। तो ये आएगा 3, और टोटल कितने है? 4। तो ये आगे डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 1 4, और ये आ जाएगा 4 2 8, 2 इसको दिया, 4 5 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 75। ये आ गया परसेंट।
क्लियर। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया किस तरीके से निकालना है परसेंट, तो एसपी टू का भी निकाल पाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से एसपी का भी निकाल पाएंगे। आगे एमसीक्यू आएगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो अगर आप देखेंगे तो डी वाला, क्योंकि आपको पता है अभी निकाला कि 75% कौन है, पी ऑर्बिटल है, पी करेक्टर है, तो इस वजह से हम बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट, 75% पी करेक्टर। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यूज नंबर 5 और 6। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो उसके लिए आपको विस्फोट थ्योरी पता ही होगी, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इस H2O का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो H2O के अंदर कम मिकदार में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बन जाएगा सेंट्रल एटम, और ये कॉर्नर एटम कौन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन का लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो यह आ गया 1, 2, ये किधर आ जाएगा, एक इधर आ गया, क्लियर। और अगर आप बात करें हाइड्रोजन के लास्ट शेल में, तो एक होता है, तो यहां से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहां से भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर आप यहां कितने बॉन्ड पेयर है, ये एक पेयर एक बॉन्ड पेयर हो गया, और ये एक बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस कितने लोन पेयर है, लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर या 2, तो टोटल कितने, 4। तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, यहां बॉन्ड एंगल बनेगा 104.5 डिग्री, और जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, एंगुलर बोल सकते हैं, या तो आप बैंड बोल सकते हैं, या तो आप वी शेप बोल सकते हैं। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका ऑप्शन आपको पता ही चल गया होगा कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट होगा। अब बात करें चौथे वाले के अंदर, तो चौथे वाले के अंदर अगर आप देखें तो वो बोल रहा है कि N2 के अंदर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाए थे। तो देखें कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये आ गया एक नाइट्रोजन, ये आ गया एक नाइट्रोजन, तो ये कितने ग्रुप का एलिमेंट, 5 है, तो इसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन के, 5, तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बन गया, तो इलेक्ट्रॉन गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाए हुए है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ होगा, और वो ऑप्शन नंबर सी है। सो यहां चुका है एमसीक्यू नंबर 7 और 8। एमसीक्यू नंबर 7 में बोला जा रहा है कि किस कंपाउंड के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है, तो वो कंपाउंड है H2O। ऐसा क्यों है, तो आपको पता ही होगा कि वाटर में H2O में हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट रूल होता है, मतलब ऑक्टेट रूल नहीं होता, जिस वजह से इस कंपाउंड के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। आठवें वाले की बात करें भाई, तो यहां आठवें वाले एमसीक्यू में स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कार्बन का सीओ के साथ, सही, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जरा सुनिएगा स्टूडेंट, आप ले लें सबसे पहले कार्बन सीओ को, तो क्या होगा, कार्बन सीओ ले लिया, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप बोलेंगे सर 6 है, उसके अंदर ऐड करें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो 8 और 6 कितने होगा, 14। अब आपको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके एटॉमिक नंबर 8 करने के बाद ऐड करने के बाद 14 आ जाए, तो CN- से शुरुआत करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और उसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, तो इसका मतलब क्या है, +1 होगा, तो 6 और ये होगा 7 और 7 कितना होगा, 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन मतलब CN- और कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है आपस में, ये हमारे आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आप चाहें तो बाकी सब भी चेक कर लीजिएगा, कोई भी नहीं आने वाला सेम, तो इसका मतलब यही करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में अगर आप देखें तो वो बोल रहे हैं कि कार्बन हैलोजन, यहां जो ये एक्स है वो असल में क्या है, वो एक हैलोजन है, मतलब 7 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्बन हैलोजन के तो दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट, तो हमें बताना है इनका ऑर्डर कि किस बॉन्ड के दरमियान में, मतलब कार्बन फ्लोरीन या कार्बन क्लोरीन या कार्बन ब्रोमीन या कार्बन आयोडीन के दरमियान में जो बॉन्ड एनर्जी होगी सबके दरमियान में, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, उसके बाद किसकी कम होगी, उसके बाद किसकी कम होगी, तो हमें असल में ऑर्डर बताना है। तो सुन लीजिएगा जरा बात को, तो मैं बता रहा हूं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती किसके साथ, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इसका मतलब कार्बन फ्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, जिस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज्यादा। लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन देते हैं तो कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड की बात ही नहीं करी, तो इसको आप छोड़ दें। तो मैं आपको बात करता हूं असल में शुरू कहां से हो रही कहानी, क्लोरीन से। तो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड की, उसके बाद कार्बन आयोडीन के बॉन्ड की। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे अगर आप देखें तो एक छोटी सी बात करी उन्होंने, क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस एटम इज कॉल्ड, असल में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यू नंबर 11 एंड एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 11 है वो जो है कि बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड है। तो इसलिए मैंने आपको टाइम बचाने के लिए बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब आए जरा काउंट करते हैं इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले सिग्मा को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए हाइड्रोजन वाले, और 6 इसके बाद देखें 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 तो 6 क्या हो गए, तो टोटल जो पाई बॉन्ड होगा है कितने होगा है, टोटल पाई बॉन्ड कितने होगा है 12, क्योंकि 6 हाइड्रोजन वाले और 6 कार्बन वाले, तो ये कितने होगा 12। अब पाई की बारी, तो पाई कितने होगा है, ये डबल बॉन्ड में एक पाई होगा, इस डबल बॉन्ड में एक पाई होगा, इस डबल बॉन्ड में एक पाई होगा, तो टोटल पाई कितने होगा 3 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3 पाई बॉन्ड एंड 12 सिग्मा बॉन्ड। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 12 की, तो एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर सुने बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन जो ऐसे हैं जो तीनों के तीनों जो इनकी आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, और उसमें से वो बताना है हमें जो आइजो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इनमें से सेम नहीं है। तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम ये करना है कि सबके इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो देखिए भाई N2O, तो मैंने स्टूडेंट आप लोगों का काम आसान कर दिया भाई, मैंने सबके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब अगर आप चेक करें N2O के अंदर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 7, और यहां पर इसके कितने आइटम है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इनको ऐड किया तो 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर। अब जरा चेक करें NHCO के अंदर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसको भी ऐड किया तो 22 आ गए। तो अब हमें बताना क्या था, हमें तो असल में बताना है कि ऐसा कौन से ऐसी स्पीशी है यहां पर जो आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इन तीनों से सेम नहीं है। तो अगर आप यहां देखें इसके 10 आ रहे तो इनसे मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये वाला ही सही होगा। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यू नंबर 13, तो यहां पर एमसीक्यू नंबर 13 में बोल दिए रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम होगी। तो छोटी सी बात सुन ले जरा स्टूडेंट, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा उसके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे कम होगी। तो अगर आप यहां देखें ऑप्शन के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा HF, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो वो ज्यादा आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.2 या 2.1 होती है, और हाइड्रोजन की 4.0। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1.8 आएगा, और सबसे ज्यादा है ये डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा HF में लगा आएगा आप लोगों को, जिस वजह से HF के अंदर हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा क्या होगी कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अब जरा गौर फरमाएं एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर, तो देखिए भाई इसमें बोला ही क्या जा रहा है, देखिए उसमें बोला ही जा रहा है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती। तो याद रखिएगा फर्स्ट से ग्रुप के अंदर जो आता है सोडियम पोटेशियम जो भी आता है उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, मतलब Na प्लस Na के अंदर जो ऊपर जो वैलेंसी आती है वो हमेशा क्या होती है 1,
कभी टू नहीं होगी, थ्री नहीं होगी। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन माइनस वन प्लस वन हो जाता है, जिस वजह से इसकी वैलेंसी चेंज हो रही है। ऑक्सीजन की भी चेंज होती है, मतलब आयरन की भी क्या होती है, चेंज होती है। इसका मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑप्शन सही होगा जिस तो जिसके अंदर सोडियम है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी चेंज नहीं होती, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यू नंबर 15 एंड 16। अगर आप गौर करें एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अमोनियम आयन। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल बॉन्ड्स आर आयोनिक। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अमोनिया आयन का स्ट्रक्चर कि यहां पर NH3 तक तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन NH4 प्लस जब बनता है तो उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, तो सारे जो बॉन्ड है वो आयोनिक नहीं होते, ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद ऑल बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये भी नहीं, क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, बाकी जो तीन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट। आगे बढ़ते हैं, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन एटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता, बाकी पूरी बात सही है, बाकी पूरी बात सही है, कॉर्नर्स में तो होते हैं लेकिन स्क्वायर थोड़ी बनती है शेप। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हाइड्रोजन आइटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यही ऑप्शन सही है स्टूडेंट, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रॉन के हाइड्रोजन क्या होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर आप बात करें स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 16 की, तो एमसीक्यू नंबर सॉरी हाँ सही एमसीक्यू नंबर 16 की बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है अमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट फॉर्मिंग प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड इज, आसानी से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से कंपाउंड एलिमेंट होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के, तो सेकेंडरी ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नेशियम, कैल्शियम, और चलता रहता है। और आपको एक बात पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो कोवेलेंट कंपाउंड का बनने का खर्चा कम होता रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो वो कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से बना पाएगा। तो इसका मतलब बेरिलियम सबसे टॉप पर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 में बोल रहे हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको एक बात पता है कि ग्रुप नंबर होता है वो आपको क्या बताता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आप बोलेंगे सर 7A ग्रुप का एलिमेंट, तो जो 7A जो ए आ रहा है, ये जो ग्रुप नंबर है असल में हमें ये बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या है, 7A ग्रुप का एलिमेंट है, इस वजह से इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 18 के अंदर क्या बोल रहा है, 18 के अंदर बोल रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन चारों ऑप्शन में से जिसके अंदर डबल या कोवेलेंट बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। मैंने बोला शायद हिल ना गया। तो भाई देखिए आपके सामने अगर इसके अंदर देखें हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर, तो कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर H2O की बात करें तो यहां पर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ना तो कोई डबल बॉन्ड है और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, जिस वजह से यही वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जिस वजह से सब तीनों कंपाउंड के अंदर ए बी और डी के अंदर ट्रिपल या डबल बॉन्ड आ रहा है, जिस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ही वो करेक्ट ऑप्शन है जिसके अंदर कोई भी ना डबल बॉन्ड है और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है। सो यहां स्टूडेंट आप लोगों के पास लास्ट टू एमसीक्यूज आ चुके हैं, एमसीक्यूज नंबर 19 एंड एमसीक्यूज नंबर 20। एमसीक्यूज नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट बोला ये जा रहा है कि कौन सा ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कंटेन करता है एस को सबसे ज्यादा। अब जरा गौर फरमाएं, sp3 या sp2
या एसपी या सारे के सारे एस कैरेक्टर को इक्वल करते हैं? नहीं स्टूडेंट, एसपी थ्री के अंदर एस ऑर्बिटल कंटेन करता है 25%। sp2 में देखना पड़ेगा स्टूडेंट, sp2 में कैसे निकालेंगे, ये 3sp2 बनता है, तो क्या करूंगा, s ऑर्बिटल कितना होता है 1, तो 1 टोटल कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास लगभग 47 या 45 जो भी आ रहा होगा देख लीजिएगा। उसके बाद sp में देखेंगे तो sp के अंदर बनता है 2sp, तो s s कितना होगा तो निकाल लेते हैं, तो s एक ऑर्बिटल है तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 2, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखें 2 1 2 2 5 10 0 0 50 1 50, तो इसका मतलब एसपी के अंदर, एसपी ऑर्बिटल के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस का जो करेक्टर होता है वो 50% है और पी भी कितना है 50%, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है जिसके अंदर एस ऑर्बिटल का करेक्टर सबसे ज्यादा है। आखिरी एमसीक्यू बात करें एमसीक्यू नंबर 20 की, तो एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर पूछ रहे हैं स्टूडेंट, सुयाम से स्टूडेंट बोल रहा है एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर कि कौन सा आय अगर किसी भी बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर 0% हो जाए तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं प्योरली कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल O2 को ले लें, अगर आप O2 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो सेम है जिस वजह से जीरो आएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो O2 का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, प्योरली कोवेलेंट होगा, इसके अंदर कोई भी आयनिक करेक्टर नहीं होगा। समझ में आई बात, इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी बात, और यहां हमने आज के 20 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।